हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर रेगुलर वेयर फ्रंट सेट कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने फोर फोल्ड किया हुआ है और ये फोर फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 15 इंचेस जितना। अब यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7.5 इंचेस, हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है कॉलर बनाने के लिए। अब यहाँ पे आर्म होल में लूँगी 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन टो करना है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 2 इंचेस ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट का पार्ट। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचेस, तो यहाँ पर हमें एक मार्क करना है। और हिप्स की लेंथ है 20 इंचेस, तो यहाँ पर भी हम एक मार्क करेंगे। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। और यहाँ पे मैं लूँगी हिप्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 14 इंचेस। तो यहाँ पे भी आपको डिवाइड बाई 4 करके उसमें 2 इंचेस ऐड कर लेना है। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और इस पॉइंट को हमें स्ट्रेट एक्सटेंड कर लेना है नीचे तक हमारी लेंथ तक। आर्म होल हमने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5, तो यहाँ पे हमें एक मार्क करनी है। अब यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। तो इस तरह से राउंड शेप देते हुए हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2 इंचेस और फ्रंट की लेंथ में लूँगी 2.5 इंचेस। तो यहाँ पे हम दो नेक ड्रॉ करेंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है, हमें इसे कट करना है। सबसे पहले हमें बाहर का नेक कट करना है। टोटल लेंथ हमने ली है 48 इंचेस। इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। अब हमें दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लेना है और ये जो हमारा फ्रंट का नेक है इसे हम कट करेंगे। और यहाँ से हमें 5 इंचेस डाउन पे एक मार्क करना है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट कट लगाएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा नेक पार्ट कट करेंगे हम। और यहाँ से हमें 5 इंचेस डाउन तक कट लगानी है, स्ट्रेट कट करेंगे यहाँ पे हम। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अभी जो हमारा फ्रंट का पार्ट है यहाँ पे हमें स्लिट तैयार करनी है। तो यहाँ से हम 20 इंचेस पे एक मार्क करेंगे, जो जहाँ से हमारा शोल्डर शुरू होता है वहाँ से स्ट्रेट हमें 20 इंचेस पे मार्क करके उसके बाद इस लाइन को हमें नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है। तो पूरी लेंथ तक हम इसे एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ तक हमें इसे कट लगानी है। तो नीचे से हमने यहाँ तक इसे कट कर लिया है। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक हमने फोर फोल्ड किया हुआ है और ये फोर फोल्ड हमें लेना है 9 इंचेस जितना। अब यहाँ से हमें 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6.5 इंचेस। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट कर लेना है। तो ये हमारे दो स्लीव्स। अब सबसे पहले हमें इस स्लिट को तैयार करना है। तो ये हमने राइट साइड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमने इस तरह की स्ट्रिप कट कर ली है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। तो उसी शेप में हमने स्ट्रिप कट कर लिया है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई कर लेना है।
ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें कट लगाने के बाद हमें इसे स्ट्रिप को बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी स्लिट तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से ही हमने सिलाई लगा दी है। अब ये जो हमारी नेक में हमने जो कट लगाई थी, यहाँ पे भी हमें इसी तरह से जिस तरह से हमने स्लिट तैयार की थी वैसे ही हमें यहाँ पे भी स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से स्ट्रिप को मैंने उल्टा रखा है, यहाँ पे हम सिलाई करेंगे और सिलाई लगाने के बाद हम इसे बैक साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। जैसे हमने ये स्लिट तैयार की थी वैसे यहाँ पे भी हमें नेक तैयार करना है। तो इस तरह से हमने बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिलाएंगे और हम करेंगे यहाँ पे शोल्डर फिटिंग। तो ये हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब हम कॉलर को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेंथ मार्क करनी है, तो एक तरफ से हम लेंथ को मार्क करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से पूरे राउंड में हमें इसकी लेंथ मेज़र करनी है। इसकी लेंथ है 18 इंचेस, प्लस 1 इंच हमें ऐड करना है, तो 19 इंचेस का हमें स्ट्रिप कट कर लेना है। तो ये हमने 19 इंचेस का स्ट्रिप कट कर लिया है, जिसे हमें इस तरह से रॉन्ग साइड पे फोल्ड करके दोनों तरफ से सिलाई कर लेना है। और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1.5 इंचेस। तो ये हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे राइट साइड पर टर्न कर लेना है। तो दोनों तरफ से हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रिप तैयार है। अब हम इसे नेक पार्ट में अटैच करेंगे। तो एक तरफ से हमें कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम हल्की सी सिलाई को इस तरह से ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमें इसके ऊपर हमें इस पार्ट को रखना है और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाते जाएंगे और पूरी लेंथ में हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हम एक तरफ से कॉलर को मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया है और जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे आपको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो अंदर की तरफ हम फैब्रिक को फोल्ड करके इस पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से कॉलर हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने कॉलर को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें स्लीव्स को उल्टा रखना है और हम दोनों तरफ से सिलाई करके यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे भी हम दोनों तरफ से सिलाई करके स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। और स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हमें इसकी बॉर्डर तैयार करनी है। तो इसे बैक साइड पर डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और स्लीव्स को भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी 19 इंचेस। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे हाफ़ करके उसमें 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचेस और हिप्स की लेंथ है 20 इंचेस। और यहाँ पर आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 16 इंचेस। और यहाँ पे मैं लूँगी हिप्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 22 इंचेस। तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। स्लीव्स
स्लीव्स की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस, और इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिला देना है। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स की फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर लिया है, स्ट्रेट कट कर लिया है। अब यहाँ से हमें कट तैयार करनी है, तो इसे बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें नीचे तक सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें जो हमारा बैक पार्ट है उसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके नीचे तक सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ फैब्रिक को बैक साइड पे फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमें लास्ट में नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी है, तो इसे भी हमें सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इस तरह से हमें बैक का पार्ट भी डबल फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर रेगुलर वेयर फ्रंट स्लिट कुर्ती बिल्कुल तैयार है, और यह इसका फाइनल लुक। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।